इंदौर के इस चाय वाले की हैसियत गुजरात के पूर्व चाय वाले यानी कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने जज्बे और जुनून के कारण रामू नागर नाम के इस चाय वाले ने बड़े बड़े कलाकारों और राजनेताओं को खत भेजे और उसे उनके जवाब प्राप्त हुए। सबसे पहले लेटर मैंने 2003 में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे उनको लिखा था मैंने। मतलब जैसे मैं दुकान पे रहता था तो मैं पेपरों में पढ़ता रहता था कि कोई टिकट कलेक्शन करता, कोई सिक्के संग्रह कर रहा, कोई क्या कर रहा, तो मैंने मेरे मन में भी विचार आया कि अपन क्यों ना अलग हटके कुछ करा जाए, तो मैंने ये लेटर संग्रह करने का विचार करा और चालू करा। उसके बाद रामू नागर इंदौर के LIG चौराहे पर चाय बेचते हैं। वे अभी तक कुल 200 खत लिख चुके हैं जिनके उन्हें जवाब भी प्राप्त हो चुके हैं। उनके खत का जवाब अभी तक कई जानी मानी हस्तियों ने भी दिया है, जिनमें क्वीन एलिजाबेथ, टोनी ब्लेयर, APJ अब्दुल कलाम, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमिताभ बच्चन शामिल है। मैंने अभी तक करीबन ऐसे तो 200 लोगों को लिखा, उसमें से करीबन 130 लोगों के जवाब मेरे पास आ चुके हैं। पर मेन में खास जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, फिल्म में अमिताभ बच्चन है, श्याम बेनेगल है, विदेश के अंदर मैंने भेजा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का है, लंदन की महारानी एलिजाबेथ का है। लिखा था कि जैसे अपन कोई का जन्मदिन लेते हैं तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं लिख देते हैं, उसके बाद जैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उनको उसकी बधाई दे देते हैं, राष्ट्रपति आता है उसकी बधाई दे देते हैं, किसी के यहाँ जैसे कोई गमी हो जाती है तो श्रद्धांजलि भी दे देते हैं। इस हिसाब से अमिताभ बच्चन को उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था जब श्रद्धांजलि लिखी थी तो उसका भी जवाब आया। उसके बाद उनके जन्मदिन पर दिया, उनके माताजी सांत्वती जब दिया, जया बच्चन के 3 लेटर है, अमिताभ बच्चन के 3 है, अभिषेक बच्चन का 1 है, 7 लेटर उनके परिवार के। जवाब में यही उन्होंने लिखा कि जो जिस प्रकार आपने हमें जो जैसे दुख की घड़ी में ये सांत्वना दी है उसको हमको बड़ी हिम्मत बल मिला और आप हमसे इसी प्रकार व्यवहार बनाए रखे, ऐसा लिखा था। नरेंद्र मोदी को कम से कम जब वो CM थे गुजरात के, जब तो मैंने उनको 7 लेटर लिखे थे, आज भी मेरे पास उनके 7 लेटर है। और अभी जो परसों 17 तारीख को उनका जन्मदिन था उसका भी लेटर दे दिया, करीब करीब 2-4 दिन में आता ही होगा वापस उधर से। नागर अपने टी स्टार पर 12 घंटे काम करते हैं, इसी बीच जब उन्हें समय मिलता है तब वे खत लिखने बैठ जाते हैं। वे पिछले 12 सालों से देश विदेश के चर्चित चेहरों को पत्र लिख रहे हैं।